वैशाली के महनार प्रखंड अंतर्गत नारपुर डेढ़पुरा पंचायत में बने महंत हरि गोविंद दास उच्च विद्यालय की भवन की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में भवन निर्माण का कार्य कई बार चलाया गया, लेकिन हर बार उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। इस विद्यालय में सिर्फ एक भवन ही ऐसा है जिसमें पठन पाठन का कार्य चलाया जाता है, बाद बाकी या तो अर्धनिर्मित है या फिर जर्जर स्थिति में है। ग्रामीण बताते हैं कि इस विद्यालय की स्थिति पिछले करीब 10 सालों से ऐसी ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस विद्यालय की जानकारी बड़े अधिकारियों या राजनेताओं तक नहीं पहुंचाई गई। कई बार गांव के बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोग इस विद्यालय की जानकारी, इसके जर्जर स्थिति की जानकारी बड़े अधिकारियों तक पहुँचाएं, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिला और भवन की स्थिति पिछले करीब 10 सालों से जस की तस बनी हुई है और न जाने और कितने दिन इस विद्यालय को अपनी इस दुर्दशा का दंश झेलना होगा। विद्यालय की स्थिति बहुत दिनों से खराब चल रही है। करीब करीब कितने साल? करीब क्या कहे हैं, हम तो 2009 में इस स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं, उस समय से देख रहे हैं। उससे पहले तो खपरा का मकान था यहाँ पे और छत का भी था, ये जो सामने बनी हुई है छत, इसी में हम लोग ने शिक्षण ग्रहण किया है। छत का मकान तो बन गया, जो आप अभी देखेंगे छत का मकान बन गया है, प्लस उसमें दरवाजा खिड़की अभी तक नहीं लगा है। कब निर्माण हुआ था इसका? बहुत पहले हुआ है। कौन जिम्मेवार है आपके हिसाब से इसके लिए? इसके लिए जिम्मेवार स्थानीय नेता जिम्मेवार है, क्योंकि इस स्कूल पे चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, किसी न किसी पार्टी का यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उतरता है प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अभी तक इस स्कूल का स्थिति जस का तस बना हुआ है। जिन प्रतिनिधि के हाथ में महनार विधानसभा क्षेत्र की जवाबदेही दी गई है, उनका भी जवाबदेही बनता है, और खास करके यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, विधायक उच्च विद्यालय का ऑलरेडी अध्यक्ष होता है, शायद विधायक हमें लगता है कि कभी शिक्षा विभाग के बैठक में कभी उस विद्यालय पर नहीं पहुंचा। आज उस विद्यालय की जो स्थिति है, उस विद्यालय में बिल्डिंग तो खड़ा है लेकिन उसमें न खिड़की है, न चौकट है, न पल्ला है, न आज तक प्लास्टर हो पाया। शिक्षा व्यवस्था बिहार की ऐसे ही चौपट है, कहीं कोई शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। स्कूल में जितने भी मध्य विद्यालय से लेकर के प्राइमरी विद्यालय तक जो शिक्षक हैं, सब खिचड़ी बेचने में लगे हुए रहते हैं। अभी तो इस महामारी की संकट में उस मामला पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल, हाई स्कूल जब विद्यालय खुलेगा क्या हाल होगा। हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से और खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, कि कम से कम यार विद्यालय जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है उस पर तो ध्यान दे।